से हमारे महासचिव कॉमरेड हनन मुल्ला जी करेंगे, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस सत्र का समापन करें। कॉमरेड सभापति, आज के विशेष सत्र में उपस्थित हमारा किसान नेता, जाने माने किसान नेता राकेश जी, कॉमरेड अतुल जी, कॉमरेड राजाराम जी और हमारा किसान आंदोलन के नेतागण और साथी, आज के इस स्पेशल सेशन का मतलब आप शायद समझे। हम किसान सभा, किसान आंदोलन, उसमें एकता, इसका विस्तार, इसके बारे में हमारा एक सोच है और इस सम्मेलन में हम उसको चर्चा किया है। मगर दूसरा का सोच क्या है, ये भी हमारा इंटर लीडरशिप पूरा देश का, उसको जानना जरूरी है। तो इसमें सुविधा यही होगा, जो हम एकतावाद का आंदोलन तैयार करना चाहते हैं सारा भारत में, उसके साथ सब राज्यों में, जिला नीचे तक, वो आंदोलन को एकतावाद करने के लिए सब संगठन का सहमति कहां, जहां सहमति है इसके आधार पर हम उसको आगे बढ़ाने काम कर पाएंगे। ये हमारा डेलीगेट के लिए भी ये फायदामंद होगा। साथियों, हमको एकता बनाना है और एकता, कॉमरेड लेनिन ने बताया था कि तुम्हारा जो लड़ाई का राह जब चलेगा, जो उठना चाहते हैं एमएलए, जो उठना चाहते हैं, लड़ने चाहते हैं ना, मगर जो मजबूत होगा आगे तक रहेगा। जो कौन मजबूत है, गाड़ी जब तेज होगा तो गिर जाएगा, उससे ज्यादा मजबूत हो थोड़ा दिन टिकेगा, मगर आप निकाल नहीं सकता। अब निकालने वाला कौन होता है, जो लड़ने चाहते हैं उसको लड़ने से अब रोक नहीं सकते। ये हमारा सोच है, हम इसी सोच के आधार पर चलना चाहते हैं, क्योंकि हम भूखोन होता है इस तय करना कि ठीक है कि अच्छा है। लड़ाई का हमारा एक बात है, वो एक करना बंद दो, जो मोर्चा बनते हैं, ये मोर्चा के संगठन नहीं है। सब संगठन का अपना नाम है, अपना झंडा है, अपना आइडियोलॉजी है, अपना कार्यक्रम है। कोई अपना झंडा कार्यक्रम छोड़ के तो नहीं आ रहा है, मगर कुछ इशू में हम इकट्ठा हो रहे हैं, जहां सहमति, जहां सहमति नहीं है वो सवाल हम कौन जाएगा में उठाएंगे नहीं। कि भाई इसमें दूसरे को राजी नहीं है तो हम यहां उठाऊंगे, हम अपना मोर्चा में उठाएंगे। और इंडिपेंडेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोग्राम है, जो ज्वाइंट में होगा उतना करेंगे, जो ज्वाइंट में नहीं होगा अपना मन से वो आंदोलन करेंगे। ये जो आजाद आंदोलन और संयुक्त आंदोलन, ये दोनों के बारे में हमारा दृष्टिकोण बहुत साफ है। हम अपना आधार को लेके, अपना आंदोलन अपना मांग के आधार पर हम करेंगे, जहां हमारा ताकत है और जहां दूसरे इशू आएगा, दूसरे लोग सहमत होगा, सहमति के भी आधार पर हम मंच बनाने का काम करेंगे। ये हमारा दृष्टिकोण साफ है, ये हमारे मन में कोई गलती नहीं। आज मंच भी परिस्थिति के मुताबिक बनता है, जरूरत के मुताबिक बनता है, ये हम समझते हैं। जब मोदी ने ऑर्डिनेंस लाया, ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक नया आंदोलन बना, उसके पहले भारत में कभी 75 साल में इतना बड़ा मोर्चा नहीं बना। 50 से ज्यादा संगठन इकट्ठा हुआ वो ऑर्डिनेंस को हटाने के लिए, और वो आंदोलन में भूमि अधिकार आंदोलन के नाम पे एक संगठन जन्म लिया। 3 साल लड़ा पूरा देश में, मोदी वो कानून पास कर नहीं पाया, मोदी पीछे हटा, मोदी का पहला हाथ था किसान के हाथ में, तो भूमि अधिकार आंदोलन वो अपना भूमिका पालन किया। सब मोर्चा सब भूमिका पालन नहीं करता, ये हम मानते, ये तू जेट सब काम करेंगे भाई, मोर्चा ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद जब मंसूर में गोली चला, नया परिस्थिति पैदा हुआ, तब तो हम देखा और संगठन इकट्ठा हुआ। 50 संगठन का भूमि अधिकार आंदोलन था, 250 संगठन का AIPCC, उसको भी जरूरत था, इतिहास का जरूरत के मुताबिक जन्म लेता है, हम किसी को जन्म नहीं दे सकता। वास्तव स्थिति में संगठन का जन्म होता है, वास्तव स्थिति ऐसा आया जिसका आधार पर 250 संगठन का AIPCC बना, वो भी आंदोलन किया, वो भी बड़ा बड़ा भूमिका लिया, वो भी आगे चलाने लगा। उसके बाद इन कलाकार के बाद हालत ऐसा बदल गया, हमारा आरक्षण के साथ जो और आगे 500 हो गया,
वैसा नहीं होता, परिस्थिति जैसा जैसा विकसित होता है, परिस्थिति का जैसा जैसा जरूरत होता है, उसी का तरह मोर्चा बनता है। और मोर्चा में जो कोई आता है आपका संगठन का ताला बंद करके नहीं आता, आपका संगठन रहता है, वो लड़ेगा अपना, साथ साथ यीशु ने कहा सहमत है उसके आधार में एक सब करेंगे। ये है यूनाइटेड मूवमेंट का मंत्र, हम इसी मंत्र के आधार पर हम यूनाइटेड मूवमेंट में काम करते हैं। जहां तक एक छोटा फौज है हमारा, उसको लेकर पीछे पीछे रहता है, रहेंगे, मगर ये हमारा सोच है, ये हमारा सोच, इस सोच के आधार पर यूनाइटेड मूवमेंट को हम चलाते हैं, उसमें हिस्सा लेता है, आने वाला दिन में करना है। हमारा सारे कार्य अब तक हम यही बताया कि ऑल इंडिया लेवल पर जैसा हम इकट्ठा होकर कर रहे हैं, तेमनी राज्य में आप लोग इसी दृष्टिकोण से राज्य स्तरीय जो संगठन है उसके अंदर एकता बनाओ, अपना जिला को सिखाओ, जिला स्तर में एकता कैसे बनाना पड़ेगा उस संगठन को लेकर, गांव तक एक एकता बनाना पड़ेगा। ये हमारा हमारा सोच है, ये भी हमारा सामने है, कोई दुविधा नहीं है हमारे संगठन के सामने। तीसरा बात है, हम मानते हैं जैसा वर्गीय संगठन का एक लड़ाई होता है, वर्गीय लड़ाई होता है और गैर वर्गीय लड़ाई होता है, इसमें क्यों हम ऐसा डिफरेंस करेंगे? हमको मजदूर किसान खेत मजदूर इकट्ठा होने की लड़ाई लड़ता है, ये वर्गीय संगठन है, वर्गीय एकता का आधार पर उसी का वर्गीय आंदोलन हम गैर वर्गीय आंदोलन में थोपने जाएंगे तो वह आंदोलन नहीं बनेगा, वहां दूसरे मांग है, दूसरे हिस्सा किसान का दूसरे हिस्सा का मांग है, उसको लेके चला जाना पड़ेगा। हमारा जहां तक हमारा वर्गीय संगठन है वो हमको चलाना पड़ेगा, साथ साथ गैर वर्गीय जो बहुत संगठन है उसके साथ परिस्थिति के मुताबिक मोर्चा बनाना पड़ेगा। ये दृष्टिकोण नहीं होगा तो यूनाइटेड फ्रंट बन नहीं। और तीसरा बात है, यूनाइटेड बन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम बड़ा है, हम छोटे के बने में छोटा है कभी तो आपके साथ नहीं है, सबने जब बड़ा नहीं जब नहीं मिलेगा वो एकता बद्ध नहीं हो सकता। ये मंत्र भी हमारा मंत्र है, हम इसमें विश्वास करते हैं, तो ये हमारा मंत्र है, हम इसी आधार पर यूनाइटेड फ्रंट का मूवमेंट करते हैं। आप सुना है राजाराम जी बताया उसका दृष्टिकोण किया है, राकेश जी बताया उसका दृष्टिकोण किया है, अतुल जी बताया, मगर हमारा इसमें कॉमन जाएगा ढूंढना पड़ेगा। हमारा पहले एकता होता था सिर्फ बामवादी एकता, उसको बढ़ा के बाम जनवादी एकता हुआ भूमि अधिकार, उसे और भी बढ़ा के बाम जनवादी सेकुलर एकता हुआ जय के शिशी बना, और आज आम जनवादी सेकुलर जनवादी सारे ताकत मिलकर इसके अलग अलग लोग है, अलग अलग सोच है, अलग अलग जंग है, फिर भी यीशु के आधार पर है। आज यीशु बेस आंदोलन, यीशु बेस एकता आज का ऐतिहासिक जरूरत है, ये हमारा संगठन विश्वास करता है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, सबके साथ मिलकर सबके सहयोगिता के तहत ये काम हम कर रहे हैं करेंगे। इसलिए सबको बात आप सुने हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज बहुत गठनात्मक दृष्टिकोण से हमारा नेता ने बात रखे हैं, उसके आधार पर हमको काम करना पड़ेगा, हमको भी सीखना पड़ेगा और अपना जो सीख है उसके आधार पर हमारा आंदोलन को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए आज के ये स्पेशल सेशन हम इसलिए बताया, आपको मालूम हुआ कैसे हम काम करेंगे, और इतना है कि हम ऐसा छुआछूत हमारा आंदोलन नहीं है, और हमारा ऐसा डर नहीं है कि हम लोग ढाके के देंगे हम खत्म हो जाए, हम ईमानदार लड़ाई करेंगे तो हम ठीक रहेंगे, जाएगा ये भरोसा अपना ऊपर हमारा है, रहेगा अपना संगठन के ऊपर भी, ये वर्षा के आधार पर हमको यूनाइटेड मूवमेंट में हिस्सा लेना पड़ेगा। इसलिए साथियों यूनाइटेड मूवमेंट आज बहुत जरूरी है, हमारा कोई ऐसा नहीं है किस्मत खान नहीं है किसान आंदोलन में, जब आगे सब कर लेंगे कोई किस्मत खान है नहीं है, बोलेंगे जहां अकेला सब करेंगे, दुश्मन इतना तगड़ा है इतना खतरनाक है उसके साथ अकेला कोई नहीं लड़ सकता, ये हमारा संगठन विश्वास, हम इस विश्वास का आधार चलते हैं, हम मानते नहीं हम अकेला सब कुछ कर लेंगे। आज अकेला करने का सोच आज जनवाद आंदोलन के एकता के लिए खतरनाक है, इसलिए हमको इस सब आपके इंडिपेंडेंट आंदोलन करो अपना मांग जहां है, आज जहां संयुक्त आंदोलन है यीशु में आंदोलन करो, और उसके जहां तक जा सकता जहां परिस्थिति के मुताबिक फॉर्म चेंज हो सकता। आज हम दिल्ली गेट के आंदोलन किया था एक आंदोलन का फॉर्म था, आज कश्मीर का आंदोलन आगे ले जाना पड़ेगा, एक फॉर्म आंदोलन नहीं चलता, दिल्ली गेट का था हमारा एक फॉर्म था, आज हम राज्य में चलते
झंडे का फॉर्म में टेनिस वर्ग है। जब तक ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं होगा तब तक इस सरकार को हम हरा नहीं सकता, इस सोशल व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए हमारा दिल्ली घेरने का आंदोलन एक है और आज हम होगा राज्य घेरने का आंदोलन। हर राज्य से होगा तो लाखों किसान जो दिल्ली आ नहीं सका वो अपना राज्य कैबिनेट में आ सकता, वो अपना राज्य कैबिनेट को अंदर कर सकता, वह सरकार को रोक सकता और पूरा देश के दे सकता है कि पानी के हमारा लड़ाई है। हम जैसा पंजाब सारे किसान इकट्ठा हुए बोले था हम नहीं हटेंगे हमारा मांग के बिना, राज्यों में जो संगठन बोलेंगे हमारा मांग नहीं मानेंगे, हमारी स्थानीय मांग है, राज्य का अलग अलग समस्या है, ये नहीं मानेंगे हम नहीं उठेंगे, ये राज्य राज्य में दिखाई देगा, दस राज्य में दिखाई देगा, भारत ये हमारा सोच है। इसलिए हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों बात में कंफ्यूजन नहीं है, हम इसी के आधार पर हम एकता बना रहे हैं, बनेंगे, काम करते रहेंगे, सबके साथ रहेंगे। एक दाराज आने वाला दिन में किसान आंदोलन को विकसित करना है। अभी एसकेएम का लड़ाई है और नीचे ले जाना पड़ेगा। पहले ही बताया आप सबको अपना अपना राज्य में एसकेएम को मजबूत करने का काम करना पड़ेगा, जिला में करना पड़ेगा और राज्य स्तरीय मांग से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो राज्य आंदोलन नहीं बनेगा। ऑल इंडिया आंदोलन तीव्र हुआ था क्योंकि ऑल इंडिया इश्यू जो है वो इसी पांच राज्यों का एकदम दिल का बात था, उसका पर हथियारा हमला था, मगर ऐसा राहत राज्य में कुछ ऐसा हथियारा हमला है हमको आइडेंटिफाई करना है और उसी का आधार पर हम राज्य आंदोलन करेंगे तो राज्यों में भी जंगी एक धड़ाकू सुचारू आंदोलन बन सकता। इसलिए राज्य स्तरीय मिलिटेंट मूवमेंट के लिए जाना एकताबद्ध रूप से, तभी हमारा एसकेएम का जो सबक है उसको हम पूरा देश में फैला सकते, ये भी हमारा सोच है। इसलिए साथियों आने वाला दिन में हम करेंगे, हमारा वादा है एसकेएम को हम मजबूत करेंगे। एसकेएम एकता हमारा आपके मुनीत जैसा है, एकता के बिना कुछ हो नहीं सकता ये हम मानते हैं और एकता को जो तोड़ना कोशिश करेंगे ऐसे एक तो छोटे मोटे संगठन माइनर कोई भूमिका नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है वो नहीं है, मगर हमारे एसकेएम ठीक है रहेगा, आने वाला दिन में और भी मजबूत होगा, एक काम हमको करना पड़ेगा। जरा चला दिया जोड़ो हम उसको वापस लाने का भी बातचीत चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं, किसी को छोड़ नहीं, लड़ाई में जितना मजबूत होगा ताकत उतना मजबूत लड़ाई बनेगा, ये लड़ाई हमारा जारी है। इसलिए साथियों एसकेएम का जो आने प्रोग्राम है 26 जनवरी एसकेएम बड़ा कॉल देने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो आपका भरा राज्य हमारा कुछ हुआ तो कुछ आंदोलन हम एसकेएम का हम पहले जितना जोर शोर से पालन करता था बाद में थोड़ा धीरे बन नहीं चले आओ ये करना पड़ेगा, गीला मन से नहीं हो, हर राज्य में और मजबूत आंदोलन करना पड़ेगा। इस टीम का जो कॉल आएगा उसके बाद 5 फरवरी महीने का जो आंदोलन है उसके भी हमको शामिल होना पड़ेगा। पार्लियामेंट आने के लिए कोई बातचीत चल रहा है 24 दिसंबर और इस टीम का जनरल बॉडी मीटिंग में 2 दिन तय हुआ और उसको आंदोलन का रूप क्या होगा वो तय होगा, उसके बाद उसकी स्वरूप के मुताबिक पूरा देश भी हम ये आंदोलन आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार हमारा दुश्मन है, फैसलीवादी सांप्रदाय जो तानाशाही सरकार है जो हमारा सब कुछ छीनने का कोशिश कर रहा है, इसको हम आज तोड़ेंगे, एक साथ मिलकर तोड़ेंगे, हम इस देश को गुलामी की जिंदगी पहनाने नहीं देंगे और जो गुलामी का जिंदगी पहनाने का किसान जो पांव में करेंगे उसको हाथ तोड़ेंगे। इस तरह एकता के साथ और एकता पर जो आंदोलन आने वाला दिन में बनाना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे सामने जीने का कोई रास्ता नहीं है। हम अन्नदाता है, अन्नदाता आक्रमण के सबसे बड़ा शिकार है और मजदूर किसान एकता इसके ऊपर सबसे बड़ा अवदान है। एक किसान आंदोलन सिखा दिया कैसे मजदूर किसान एकता, एक ही दिन में किसान बोला दिल्ली चलो और मजदूर बोला भारत, ये पहले बार भारत का इतिहास में एक साथ मजदूर किसान कॉल दिया और मजदूर ने भारत बनकर किसान ने भारत बनकर कॉल दिया, पूरा देश में 25-30 करोड़ मजदूर का खाना बन गया। ये जो है ये नया है मजदूर का किसान का लड़ाई में हिस्सा बन रहा है, उसका चार लेबर कोड अभी भी बाकी है उसका लड़ाई आएगा। इसलिए साथी मजदूर किसान एकता जैसा हमारे एसकेएम और सेंट्रल ट्रेड यूनियन इकट्ठा बैठा 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन बार बार इकट्ठा बैठा एक कट्टा आंदोलन का कॉल दिया, आने वाला दिन में इस प्रोसेस को और भी मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए एकताबद्ध आंदोलन का अलग अलग रूप होगा, कोई एक रूप में कोई समस्या है लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है,
उस सब रूप को हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लक्ष्य यही है कि हम मेहनत कष्ट एकता बनाएंगे और उसके एकता के आधार पर दुश्मन से मुकाबला करेंगे। यही हमारा एकता बद्ध आंदोलन का सूत्र है। यह कि इसमें विश्वास करता है, सबके साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। इस उम्मीद के साथ जो साथ जो आए हैं विश्वास दिलाते हैं सबके साथ मिलकर आंदोलन और मजबूत करने का कोशिश यही केस करेंगे। इसी शब्द के साथ आज का जो आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ, बातचीत हुआ, इसके आधार पर आने वाला दिन में जो एकतावत आंदोलन और मजबूत होगा, इस उम्मीद के साथ मैं ये बात खत्म करता हूँ। इनकलाब चिन्ह।